अयोध्या में जो है प्रशासन व्यवस्था ने 454 व्यवस्थाएं कर ली है और सीधी सुरक्षा कल सुबह दोपहर के ही हेलीकॉप्टर पूरे रामनगरी अयोध्या में जो है घूम रहा है और जगह जगह पर उतर करके पूरी सुरक्षा का जायजा ले रहे, क्योंकि प्रधानमंत्री को आना है तो यह पीजी पहले से यहाँ पे रेड रेड मूड में है और जो लगभग प्राण प्रतिष्ठा का कार्य लगभग पूरा किया जा चुका है और जो है अब जो बीजेपी आ रहे हैं आज जो है सबका उतरना चालू हो जाएगा। धीरे धीरे करके जितने बीजेपी आ रहे हैं उनकी व्यवस्थाओं के लेकर के यहाँ प्रशासन जो जुटा हुआ है और कहाँ कहाँ पे रूट डाइवर्जन कर दिया गया है, जो बड़ी गाड़ियों से लेकर के सबको प्रतिबंधित कर दिया गया है और जो लोग आएंगे उनके व्यवस्थाओं में अलग अलग जगह पे प्रशासन ले जाकर के व्यवस्था कर रहा है। और रही बात प्रधानमंत्री कल 10 बजे आ रहे हैं, कुछ ही पल के हैं जो प्रधानमंत्री आने का विमान के चलेगा, कल का दिन रहेगा केवल अब चंद्र पर 500 वर्षों की लोगों की तपस्या कहीं ना कहीं अब पूरी होने जा रही है, उसका इंतजार खत्म हो रहा है। तो धीरे धीरे करके यहाँ के लोग उत्साहित हैं और यहाँ पे काफी ठंड पड़ रही, हवाएं भी बहुत तेज चली, लेकिन रामनगरी अयोध्या में इस समय रामराज और राम में व्याप्त है तो कहीं ना कहीं ठंडा का उतना असर नहीं नजर आ रहा है। पूरी रोड पे जो है चल रही है उकर रही है यहाँ पे और कार्य बहुत तेजी से किया जा रहा है। जी बिल्कुल आरपे, यानी कि देखा जाए तो बहुत अच्छे से प्राण प्रतिष्ठा जो है उसकी तैयारियां की जा रही हैं लगातार, और जिस तरीके से आपने भी जानकारी दी तो वही आरपे देखा जाए तो वीवीआईपी का जमावड़ा लगना भी शुरू हो चुका है, इस बारे में क्या कुछ जानकारी है, आज कौन कौन से वीवीआईपी पहुंच सकते हैं अयोध्या? जी आपको बताते चले कि अनूप जलोटा जी अभी पहुंचने ही वाले हैं, बाकी और जितने वीवीआईपी हैं वो भी पहुंच रहे हैं, जितने संत लोग हैं वो भी पहुंच रहे हैं, क्योंकि इनकी जो है प्रशासन ने कोई लिस्ट अभी तक जारी नहीं किया क्योंकि जो प्रशासन व्यवस्था में गुप्त रखा है कहीं ना कहीं कि लोगों को जितना जमावड़ा जितना लोगों का हो रहा है वो धीरे धीरे करके जो कोई हेलीकॉप्टर से आ रहा है, कोई लखनऊ से पुटअप हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सिस्टम में सब पहुंच रहे हैं। जितने वीवीआईपी है प्रशासन जो है वहीं से जो है व्यवस्था में लगा हुआ है, वहीं से डाइवर्ट कर रहा है और जगह जगह के इनको पहुंचा रहा है, क्योंकि वो पल कम बचे हैं जब भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा होना है, तो उसके इंतजार में प्रशासन यहाँ पे 454 व्यवस्थाएं की है और इसकी सूचना ज्यादातर लिस्ट जारी भी नहीं किया है। जितने मंत्री हैं वो भी रामनगरी अयोध्या में डेरा डारे हुए हैं। जी बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो कल प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उससे पहले आज से ही कई वीवीआईपी का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है, साथ ही आरपी देखा जाए तो कई वीवीआईपी पहुंच रहे हैं और देश विदेश से मेहमान आ रहे हैं, एयरपोर्ट का भी जो है काफी अच्छे से बनाया गया है, उसे सजाया गया है, रेलवे स्टेशन का भी यही हाल है। ट्रांसपोर्ट की अगर बात की जाए कि अगर एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से यात्रियों को शहर तक लाने की अगर बात की जाए, प्राण प्रतिष्ठा स्थल तक लाने की बात की जाए, तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट व्यवस्था क्या की गई है प्रशासन की ओर से? जी आपको बताते चले कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट व्यवस्थाओं में कहना सिटी बस तो पहले से ही है, बाकी प्रॉपर व्यवस्था में और जितनी चीजें हैं यहाँ पे जो सरकार ने अपनी वीआईपी व्यवस्थाएं रखी है, गाड़ियां लगा दी रखी है, जितने मंत्री आएंगे जितने लोग आएंगे उनके लिए गाड़ी की व्यवस्था है, सीधे वहां से उठाएगी फिर होटल लेके जाएगी। और रही बात एयरपोर्ट की तो एयरपोर्ट को एसपीजी सुरक्षा ने पहले से घेरा बना लिया है, वहां पे जितनी वीआईपी आ रहे हैं वो गाड़ियां खड़ी हुई है, जो भी वीआईपी आएगा सीधे कहना वहां पे बैठा करके उसको गंतव्य तक या होटल तक पहुंचा दिया जाएगा और वहां से जो है जो अगर कोई दर्शन पूजन करना चाहेगा तो उसकी व्यवस्था प्रशासन ने यहाँ कर 454 कर रखी है, तो हमें कोर कसर प्रशासन ने यहाँ नहीं छोड़ी है। जितने वीआईपी आए हैं उनकी व्यवस्था पहले से ही रूट बना दी, किसको कहाँ जाना है, कहाँ ठहराना है, क्या व्यवस्थाएं हैं, तो कल कर प्रशासन ने अगर लिफ्ट उसको मिल चुका है कहीं ना कहीं उसको जो है ले जाने में कोई कोरफर नहीं छोड़ेगी। जी जी और आरपी साथ ही देखा जाए तो जिस तरीके से सभी तैयारियां चल रही है, कल हमें ये अपडेट मिला था कि कल भी रामनगरी में कई टन फूलों से, कई क्विंटल फूलों से रामनगरी को सजाने का कार्य किया जा रहा था, क्या वो कार्य आज पूरा हो गया है या फिर आज भी वो कार्य किया जाएगा? ये अधिकारी पहले तो ये बताना चाहेंगे लगभग कार्य पूरा हो चुका है, यहाँ पे कहना पूरी अयोध्या पूरी तरीके से तैयार है, केवल इंतजार है, तो अब सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर उद्घाटन हो रहा है तो उसके लिए केवल इंतजार है, बाकी पूरी अयोध्या सज चुकी है, संवर चुकी है और राम में व्याप्त हो चुकी है, अब केवल इंतजार है कब भगवान राम की पांव प्रतिष्ठा होगी, वो दिन भी अब लगभग 24 घंटे में मिनिमम मान के चलिएगा कि प्राण प्रतिष्ठा होना है, तो उसकी तैयारी में लगभग प्रशासन यहाँ पे तैयार है, अब केवल इंतजार है केवल प्रधानमंत्री का आएंगे और उसका उद्घाटन करेंगे। जी बिल्कुल आरपी, यानी कि देखा जाए तो काफी अच्छे से तैयारियां प्रशासन की ओर से की जा रही है, भव्य दिव्य रूप से रामनगरी को सजा भी दिया गया है। बहुत शुक्रिया आरपी आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि अब से कुछ ही दिन भी नहीं बल्कि कुछ ही समय में प्राण प्रतिष्ठा होनी है, अभी कुछ घंटे शेष है, कल ये प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगी जिसमें अभी से ही वीवीआईपी का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है, रामनगरी अयोध्या पहुंच रहे हैं सब, कई वीवीआईपी पहले लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद वहां से रामनगरी अयोध्या के लिए रवाना होंगे,
देखा जाए तो प्रशासन इसके लिए काफी पहले से तैयारियां कर रहा था और अभी की अगर बात की जाए तो प्रशासन ने काफी पुख्ता इंतजाम किए हैं जिससे किसी को कोई परेशानी ना हो। सुरक्षा की बात की जाए या फिर स्वास्थ्य की बात की जाए, सभी में प्रशासन ने चुस्त दुरुस्त इंतजाम कर रखे हैं। आपको बता दें कि रामनगरी को दुल्हन की तरह सजाया भी जा रहा है।